वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिजायरर बिग फ्रॉक फॉर 10 ईयर बेबी गर्ल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने नेट फैब्रिक को 4-4 किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। शोल्डर एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और हमें लाइन ड्रॉ करनी है दोनों कोर्ट्स को मिलाते हुए। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 8 इंचेस। आपका सराउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से और से टॉप पार्ट के लेंथ हमने ली है 10 इंचेस। अब यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। दोनों को साथ में अरेंज करेंगे इस तरीके से। एक को राइट रखते हो दूसरा इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है और अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे 2 फोल्ड कर लेना है और ऊपर से 2 इंचेस डाउन पर हमें मार्क करना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने 2 स्ट्रिप्स यहाँ पे कट कर लिए हैं और इसे ओपन करेंगे इस तरीके से और स्ट्रिप्स के शेप में हमें नेट फैब्रिक से स्ट्रिप्स कट करनी है। तो नेट फैब्रिक को यहाँ पे 2 फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर दोनों स्ट्रिप्स को हमें सीधा रखना है और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने लेंथ इंक्रीज करते हुए स्ट्रिप्स यहाँ पे कट कर ली है। तो अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स के लिए हमने बेस पर भी कट कर लिए हैं पार्ट को सीधा इसके ऊपर रखते हुए और बेस और मेन फैब्रिक को यहाँ पे अरेंज करना है इस तरीके से। दोनों पार्ट्स को अरेंज करेंगे मेन और बेस को अच्छे से मिलाना है और स्ट्रिप्स को इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है अपर ऑर्डर को मिलाते हुए और हमें सिलेक्ट करनी है और दोनों स्ट्रिप्स को यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो देखिए हमने स्ट्रिप्स अटैच कर ली है टॉप पार्ट के साथ इस तरीके से और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए ऊपर से हमें सिलाई करनी है और दोनों को हमें फिक्स कर देना है और इसके बाद एक को राइट रखते हुए दूसरा इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर अटैच करेंगे। ये देखिए हमने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है और शोल्डर भी हमने अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे आर्म होल पे हमें नेक फैब्रिक को उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है। नेक पार्ट पे भी हम उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई करनी है। तो देखिए हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है और आर्म होल और नेक पार्ट को हमने रेडी कर लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बॉटम के पार्ट्स के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं नेट और बेस फैब्रिक से जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 37 इंचेस और लेंथ हमने ली है 31 इंचेस। इस तरीके से बेस फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है और यहाँ पे अपर ऑर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई करनी है और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है चारों पार्ट्स में। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे अब एक धागे को अलग करके एक हल्के आंसर में खींचना है और पूरी ब्रॉडनेस में हम गैदरिंग करेंगे और यहाँ पे
चारों पार्ट्स को हमें रेडी करना है बॉटम के पार्ट्स के लिए फ्रंट और बैक के। तो ये देखिए हमने मेन और बेस को यहाँ पे हमने गैदरिंग कर लिया है और दोनों पार्ट्स को अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है सीज के ऊपर हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। टॉप और बॉटम जॉइंट करके ये देखिए हमने टॉप और बॉटम हमने जॉइंट कर लिया है, दोनों को राइट साइड में टर्न कर लिया है और दोनों पार्ट्स को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। और यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद दोनों साइड से 1 इंच की डिफरेंस पे हमें सिलाई करनी है और नेट और बेस को हमें फिटिंग कर लेना है और बेस फैब्रिक के नीचे और को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो देखिए हमने फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है और बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है बेस फैब्रिक के इस तरह से। अब यहाँ पे हमें रफल बना के अटैच करनी है, तो नेट फैब्रिक को इस तरीके से हमने एक स्ट्रिप्स कट की है जिससे हम यहाँ पे इसकी लेंथ हमने ली है 7 इंचेस। इस तरीके की स्ट्रिप्स हमने कट की है नेट फैब्रिक से जिसे यहाँ पे हमें इस तरीके से गैदरिंग करते हुए अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए एक बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और यहाँ से हमें इलास्टिक को पास करना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से एक बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे स्ट्रिप्स को हमें टू फोल्ड करना है अच्छे से। सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें सेंटर पे हमें मार्किंग कर लेनी है और सेंटर को सेंटर के साथ अच्छे से मिलाएंगे हम और यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो 15 इंचेस पे हम मार्क करेंगे सेंटर से दोनों साइड पे स्ट्रिप्स में हमें मार्किंग करनी है। 15 इंचेस पे मार्क करना है और इस तरीके से मार्क को मिलाते हुए हमें इसे गैदरिंग करते जाना है और यहाँ तक हमें ऊपर से सिलाई करते हुए रफल को यहाँ पे अटैच करना है, दोनों साइड पे हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई कर ली है और यहाँ से इलास्टिक को हमें पास करना है। तो दो इलास्टिक हमने ली है लेफ्ट और राइट के लिए, इसकी लेंथ हमने ली है 9 इंचेस। और यहाँ से 20 इंचेस पे हमें मार्क करना है, राइट साइड में भी हमें मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से 20 इंचेस पे हम मार्क करेंगे जहाँ से हमें इलास्टिक को पास करना है। तो पिन की मदद से हम पास करेंगे, यहाँ से ओपनर की मदद से हम सिलाई को ओपन करेंगे और यहाँ से इलास्टिक को हमें पास करना है इस तरीके से। तो यहाँ से इलास्टिक को पास करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमें इसे ओपन कर लेना है और यहाँ से इलास्टिक को हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे दोनों एंड पे हमें सिलाई करते हुए इसे फिक्स कर देना है और इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी हमें इलास्टिक को पास करते हुए इसे लॉक कर देना है। ये देखिए हमने इस तरीके से इलास्टिक को पास कर लिया है और इसे हमने लॉक कर लिया है और इसे बैक साइड पे हम टर्न करेंगे फ्रॉक को। और यहाँ पे
दोनों एंड को हमें एक दूसरे के को इधर रखते हुए सिलाई कर लेना है और इसे जॉइंट कर लेना है। और यहाँ से हमें इस तरीके से गैदरिंग करते हुए ऊपर से सिलाई करनी है और इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरीके से रफल यहाँ पर अटैच कर ली है और इलास्टिक को भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके के पल्स यहाँ पे अटैच कर लेने हैं, तो वन बाय वन हम अटैच करेंगे। इस तरीके से और इसे हमें डेकोरेट कर लेना है जो हमने गैदरिंग किया है, इसके ऊपर हमें एक एक पल्स को यहाँ पे अटैच करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से इसे हमने डेकोरेट कर लिया है और इसी के साथ ही डिजाइनर भी फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारे डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।